विदर्भ जयपरी राजा में किन्नर उत्तम बाबा विदर्भ अध्यक्ष और पृथक विदर्भ हमें इसलिए चाहिए कि आज तक पृथक विदर्भ के अंदर में अच्छे तरीके से विकास नहीं हो पाया। इसलिए अगर पृथक विदर्भ होता है तो विदर्भ का अच्छे तरीके से विकास हो सकता है, युवाओं को रोजगार मिल सकता है, महिलाओं को उनका अधिकार मिल सकता है। जो ट्रांसजेंडर किन्नर जो है, किन्नर समुदाय के लिए भी यहाँ पर शौचालय बन सकते हैं और उनका अधिकार भी उनको मिल सकता है। ऐसे ही हमारे जो किसान भाई है, जो किसान भाई त्रस्त है, उनको दाल मिल का प्रोजेक्ट उनके लिए पृथक विदर्भ होने के बाद हम दिला सकते हैं और उनका विकास कर सकते हैं किसान भाइयों का। और हमारा ये उद्देश्य है कि भाई पृथक विदर्भ हमारा हक है। जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान का निर्माण किया था, उस समय में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि भाई छोटा राज्य सुखी राज्य, इसलिए छोटा राज्य और उतना ही ज़्यादा विकास हो सकता है। इसलिए हमारे पृथक विदर्भ का जो क्या बोलते हैं अधिकार है, वो अभी से नहीं, 1918 से चलते आ रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं जिस तरीके से तेलंगाना आज़ाद हुआ, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ आज़ाद हुआ, जिस तरीके से झारखंड आज़ाद हुआ, उस तरीके से पृथक विदर्भ भी आज़ाद होना चाहिए और ये विदर्भ के लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए हम पृथक विदर्भ की मांग कर रहे हैं। सर, आपने लोकसभा चुनाव में आपका एक कैंडिडेट खड़े किया, क्या नाम है आपका? नागपुर से। लोकसभा चुनाव में हमने जो कैंडिडेट खड़े करे हैं नागपुर से, वो खुशबूताई बेलेकर है। खुशबूताई बेलेकर जो है वो सक्षम विदर्भ के लिए सक्षम लेडीज है और एक बहुजन समाज महिला है। इसीलिए हमने उन्हें खड़े करे हैं कि उनके दिल के अंदर में किन्नरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सभी के लिए उनके लिए एक प्रतीक मोहब्बत है। इसीलिए वो चाहते हैं कि पृथक विदर्भ हो और पृथक विदर्भ के ही मामले से हमने खुशबूताई बेलेकर को यहाँ से नागपुर से प्रतिनिधि बनाकर हमने यहाँ पर उनको खड़े किए। नागपुर में कितने किन्नर की लोकसंख्या है? नागपुर के अंदर में 1500 किन्नरों की लोकसंख्या है और बाकी अदर्स जो है वो सारे टोटलिंग अगर देखा जाओ तो कम से कम ने भी तो 7 लाख के ऊपर में टोटलिंग। आपका आपके लिए लोक प्रतिनिधि मतदान का उपयोग कर लेते हैं और बाद में जब आपकी समस्या होती है तो पीठ दिखाते, क्या बताओ? तो मैं शासन से यही कहना चाहती हूँ, जो हमारी शासन है और जो हम शासन से यही मांग करना चाहते हैं कि हम भी क्या बोलते से वोट डालने के अधिकार रखते हैं, तो हमें भी हमारा अधिकार मिलना चाहिए, हमें भी एक सीट आरक्षण मिलना चाहिए ट्रांसजेंडरों को। और दूसरी बात है कि भाई जो हमारे प्रतिनिधि है जो चुनकर आते हैं, उनसे भी हम यही मांग करेंगे कि आने वाले समय में ट्रांसजेंडर भी आप ही के ही क्या बोलते से अस्तित्व में जाने जाते हैं और आप ही के बीच से जन्मे हुए एक ट्रांसजेंडर है, इसलिए उनके विकास के लिए, उनके हित के लिए भी आप सोचें, क्योंकि आप प्रतिनिधि हो। अगर आप जनता के हित में नहीं सोचोगे तो फिर आप प्रतिनिधि किस तरीके से कहलाओगे।